नगरपालिका परिषद के तीसरे वर्ष के कार्यकाल के लिए अध्यक्ष चुने गए हैं और इन्हें कुल 15 वोट प्राप्त हुआ है, जबकि इनके जो विपक्ष में थे इनके अपोनेंट कौन थे, अजीजुर रहमान, उनको कुल 9 पार्षदों का ही समर्थन प्राप्त हुआ है। तो हमने उनसे बात की। सुदीप राज जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, और हमें बताइए कि अध्यक्ष चुने जाने के बाद आप क्या फील करते हैं, क्योंकि बहुत समय बाद ये चुनाव हुआ है और अब नगरपालिका परिषद की जो स्थिति है उसमें सुधार करने के लिए आप किस चीज को, क्या आपका विजन है, क्या प्राथमिकता देगा? मैं सबसे पहले हमारे यहाँ पे उपस्थित जितने हमारे पत्रकार और मीडिया भाई बंधु है, मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं और मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी का सहयोग का मुझे जरूरत है और हमारे नगर पालिका के जो भी कार्य है उसमें कहीं भी अगर आप लोगों को ये लगता होगा कि कमी है या कुछ गलती है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग प्लीज हमें अपने बड़े भाई समझकर आप मुझे इतला करिए, हमारा साथ दीजिए, ताकि हम सब मिलकर जो भी कमी है कोशिश करेंगे उसको पूरा करने के लिए। और मैं सबसे ज्यादा मैं शुक्रगुजार हूं हमारे जो भी और जितने भी काउंसलर मेरे भाई बहन हैं जिन्होंने मुझे आज इस कुर्सी पर बिठाया है। मैं उनका सहे दिल से मेरे काउंसलर भाई बहन का मैं आभारी हूं और मैं ये कोशिश करूंगा कि हमारे जो काउंसलर भाई बहन है उनको जब तक हमारा कार्यकाल है उनको खुश रखूं और पब्लिक का जो भी सेवा हो हम सब मिलकर करेंगे। और मैं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर आप लोग हमारा साथ दीजिए और हमारे लायक जो भी सेवा हो हम सही दिल से और रात दिन एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट करेंगे। और अभी तो मैं जस्ट आज ही जीता हूं तो ज्यादा कुछ आप लोगों को कह नहीं सकूंगा, कुछ हफ्ते 10 दिन जाने के बाद ही मैं आप लोगों को आमंत्रित कर मैं अपना इंटरव्यू आप लोगों का जो भी प्रश्न होगा मैं आप लोगों का जवाब दूंगा और फिर मैं आप लोगों को सही दिल से मैं पत्रकार भाइयों और मीडिया भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आप हमारे इंटरव्यू ले रहे हैं। और मैं आप सभी से दोबारा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं जो भी अगर हमारे खामियां हैं या हम भी इंसान हैं वो अगर कुछ आप लोगों को खामियां लगता हो तो आप लोग अपना घर समझकर आप हमें बताइए ताकि हम और आप दोनों मिलकर पब्लिक का सेवा कर सके। इतना कहते हुए मैं अपना विचार यही समाप्त करता हूँ। सुदीप जी, एक ही प्रश्न रहेगा, बिल्डिंग वायलेशन को लेकर 2016 के बाद से जो है आज तक किसी को भी जो है जितना भी वायलेशन हुआ है धड़ाधड़ बिल्डिंग बन रहा है,
अप्रूवल भी मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन बिल्डिंग वायलेशन का वन टर्म रिलैक्सेशन आज तक नहीं दिया गया है। लेकिन जो भी लोग अप्लाई करते हैं सारे बिल्डिंग बन रहे हैं, वायलेशन करके बन रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर में लोगों को आज तक वन टर्म रिलैक्सेशन 1,500-2,000 आदमी जो लिस्ट में होंगे, उससे ज्यादा ही होंगे, उनको वन टर्म रिलैक्सेशन देने की बात थी। और INC का घोषणा पत्र में भी पिछले चुनाव में भी ये था कि वन टर्म रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर क्या आप एक्शन लेंगे? मैं आपका इस सवाल का, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि मैं 10 दिन के अंदर आप लोगों को आमंत्रित करूंगा, और उस समय जैसा हमारे राकेश जी ने जो सवाल पूछा है तो हमें भी थोड़ा स्टडी करने का टाइम मिल जाएगा। तो आपका जवाब का मैं 10 दिन में आप लोगों को बुलाऊंगा तो मैं आपको जरूर इसका जवाब दूंगा, ताकि ये आपने जो कहा ये बहुत बड़ी समस्या है अंडमान का, तो इसमें हम लोग जरूर कुछ कोशिश करेंगे। सर, एज ए नगर पालिका अध्यक्ष सबसे बड़ी चुनौती क्या होने वाली है आपको? देखिए, आज ही हमने जीता है, और अगर आपके प्रश्न के हिसाब से सबसे बड़ी चुनौती आज के दिन जो है वो हम कहेंगे कि पानी का होगा, तो इसलिए वार्तालाप कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।